हम फ़कीर नहीं हैं, अभी हम लोग विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं। तो सीखने वाले व्यक्ति को मर्यादाएँ माननी पड़ती। तो या तो तू खुदा की इबादत नहीं कर रहे हैं और या फिर तो सच्चा साधु नहीं। अब सब जानते हो, बताएं मैं तो अभी शरीफ बन रही और सब कर सकते सच्चे सच्चे बताओ शरीफ कौन कौन बन रहा है ये बता दो। दोबारा वही बात कहूँगा कि अनुशासन को हम लोग अलग तरीके से लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट हम लोग कहते हैं कि ऐसा करूँ, 10 बजे उठूँगा ऐसा करूँगा, 9 बजे ऐसा करूँगा, 8 बजे ऐसा करूँगा, 11 बजे ऐसा करूँगा, 1 बजे ऐसा करूँगा, 2 बजे ऐसा करूँगा, 8 घंटे सोऊंगा, 4 घंटे खेलूँगा, 3 घंटे पढ़ूँगा, 2 घंटे टीवी देखूँगा, 1 घंटे ऐसा करूँगा, है ना जी होगा। इसलिए हम अनुशासन कह रहे हैं, लेकिन अनुशासन इससे आगे की चीज़। अनुशासन आपका खुद के प्रति होता है, आपके लक्ष्य के प्रति होता है कि आप एक मर्यादा में बंध जाते हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए। और जब आप उस मर्यादा में बंध जाते हैं ना तो आपको कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन एक आम सवाल है कि डिसिप्लिन किस तरह से रहा जाए और कैसे अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको सही ढंग से करें। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बात घुमाऊँ नहीं, सीधा वहीं पर आऊँ। एक व्यक्ति, हम लोग जो मानते हैं हमारे जो सेंसेस है ना, 1 से 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को लगभग 1 लाख से ज़्यादा सेंसेस मिलते हैं। सेंसेस इस तरह से जो हमें विचलित करते हैं या हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमारे पास तो बॉडी में 5 रिसेप्टर है ना, आँख, नाक, कान, स्किन, इस तरह से जीभ वगैरह 5 और 5 के जरिए हम दिन भर में कुछ न कुछ लेते रहते हैं। जीभ से कभी रस ले लिया, कभी कान से सुन लिया, कभी हाथ से उठी हो गई, कभी और कुछ हो गया, कभी आँख से देख लिया, कभी नाक से कुछ सुन लिया, कभी कान से ऐसा हो गया, सारे दिन चलता रहता है और कोई कहीं उसका वो नहीं रहता, उसको कोई लोड भी नहीं ले रहे। हो सकता है सर रास्ते कोई गुजर रहा होगा तो उसको भी हमारी बात सुनाई दे रही होगी, लेकिन उसे कोई लोड नहीं है दिमाग के ऊपर। वो यहाँ से सुन रहा है, उसको निकाल कर आगे निकल जाता है, ठीक है। बहुत सारे रास्ते चीज़ें पड़ी नज़र आ रही हैं, खूब सारी चीज़ें फिर उसी के रास्ते नजर आती है, उसको देख कर आगे निकल रही है, चीज़ें पड़ी हैं और फिर भी आप आगे निकल रहे हैं ना, क्योंकि आप उस चीज़ का लोड नहीं ले रहे हैं कि आपको वो चीज़ उससे कनेक्ट कर रही है। बहुत सारी स्मेल आ रही होती है, बहुत सारी टेस्ट मिल रहा होता है, हम हर चीज़ को थोड़ी ना चखने लग जाते हैं, चखने लग गए, स्मेल थोड़ी ना कर रहे हैं, नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। लेकिन आप साइंस के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1 लाख के आसपास सेंसेस रिसीव करता है, जो कि आपको किसी न किसी तरह से रिसीव हो रहे होते हैं। आँख के जरिए, कान के जरिए, नाक के जरिए, जीभ के जरिए, स्किन के जरिए, है ना, सोच के जरिए, ऐसे आपको चीज़ें रिसीव हो रही होती हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपने आज दिन में 1 लाख चीज़ों से कनेक्शन किया था और फिर भी आप देखिए कितने आप फोकस रहे कि आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते, आप इतने डिसिप्लिन हैं, इतने अनुशासित हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपके साथ में। और फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं कि अनुशासन कैसे रहा जाए, काम कैसे किया जाए। वो जो 1 लाख की सेना को मार सकता है तो 2 को नहीं मार सकता क्या? वो 2 को भी मार सकता है। वो सवाल का जवाब यहाँ से शुरू होता है कि जीवन में अपने आप को किस तरह से मैनेज रखें और कैसे आप चीज़ों को सही ढंग से दें। इससे पहले भी एक वाकया याद आ गया। हीर रांझा की कहानी किसने किसने सुनी है? सच्चे सच्चे बताओ, हीर रांझा सुना होगा ना? हीरा जी का लैला बज को सुना होगा, सब जानते हो, बताएं मैं तो अभी शरीफ बन रही और सब कर सकते सच्चे सच्चे बताओ शरीफ कौन कौन बन रहा है ये बता दो। तो साहब हीरा जी की कहानी पढ़ने में एक वाकया आता है कि हीर का और रांझा का बिछो हो गया है। हीर की शादी कर दी गई है, शादी की तैयारियाँ हो रही है और वो अलग हो गया। रांझा भटकता फिर रहा है रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान में भटक रहा था ना उस वक्त। आपको लैला मजनू सेट होता तो लैला मजनू करो, लेकिन कहानी हीरा रांझा कही जाती है, वो लैला मजनू बोल देता है, वैसे कहानी हीरा रांझा की है। तो साहब वो मजनू भटक रहा था, ऐसे रेगिस्तान के अंदर भटक रहा है, ऐसा कर रहा है, ये करके भटक रहा है, उसे कुछ होश नहीं। बस वो हीर 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 चिल्लाना, यहाँ जा रहा, ना कांटे दिखे, ना गर्मी दिखी, ना बरसात दिखी, ना पाँव जल रहे, ना भूख लगी, ना प्यास लग रही, कुछ नहीं हो रहा उसको। तो रेगिस्तान में तो घुसते प्यास लगती है, आप जाकर देखिएगा, जिस तरह व्रत होता है ना उस दिन सबसे ज़्यादा भूख लगती है, नहीं होता व्रत वाले दिन सबसे ज़्यादा भूख लगती है, यार व्रत है, सुबह पहले भूख लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही और वो सब भटक रहा है, ना उसे भूख लग रही है, और रेगिस्तान में घूम रहा है, ना भूख है, ना प्यास है, ना सर्दी है, ना गर्मी है, भटक रहा है। भटकते भटकते उसकी ठोकर जा लगी किसी आदमी को, कोई आदमी नमाज पढ़ रहा था, नमाज का वक्त हो गया, उसको ठोकर जाके लग गई, तो ठोकर लगती वो गिरा और उठकर चल दिया, ठोकर लगी, रांझा गिरा और उठकर चल दिया। तो जब वो चलने लगा तो पीछे से आया, उसने पकड़ा, में पूजा पाठ सारे दिन छोड़, उसका आगे पकड़ा, बोल जा रहा है, बोल ठोकर मार के जा रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, मैं खुदा की इबादत के अंदर बैठा हुआ था, तुझे पाप मिलेगा, तुझे कुफ्र कर दिया, तुझे दोजख की आग में जलना पड़ेगा, फला फला शुरू हो गया सारा काम कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, सारी बातें उसको बोलना शुरू कर दी। तो रांझा को दिमाग काम नहीं करना, बोले क्या हो गया, बोले तेरे दिख नहीं रहा, मैं नमाज पढ़ रहा था, तू मेरे को ठोकर मार तो आगे निकल गया, मेरे को गिरा के आगे निकल गया, तेरे को अब देखना दो से चार में जलना पड़ेगा, तुमने कुफ्र कर दिया है, तेरे साथ ऐसा होगा, जैसा तो वैसा होगा। तो उसने एक सवाल पूछा उससे, तो तू कह रहा है कि तू खुदा की बात में बैठा था, बोले हाँ, और खुदा ने सारी कायनात बनाई है, बोली हाँ, और तू उसकी सच्ची इबादत कर रहे हैं, बोली हाँ, अब मैं कह रहा हूँ मैं तेरी खुदा की कोई इबादत नहीं कर रहा हूँ, और मैं जिसके पीछे बावला हुआ फिर रहा हूँ, उसको ढूंढता फिर रहा हूँ ना, उसको तेरे उसी खुदा ने बनाया बताते हैं। तो जब उस कुदरत की बनाई हुई चीज़ आप मान के चलिए कि पूरे थान में से जो कट पीस है उसकी जब इतनी वैल्यू कर रहा हूँ, इतनी वर्क कर रहा हूँ, तो तू तो पूरे थान का मालिक है भैया, थान होता है ना कपड़े का पूरा, तो तू तो उसका मालिक है। तो या तो तू खुदा की इबादत नहीं कर रहे हैं, और या फिर तो सच्चा साधु नहीं कर रही है, उसके लिए फोकस होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको यही चाहिए। अब छोटी सी बात है, सारी बात खत्म हो जाती है, और बात ये कि पहले तो आप जान चुके हैं कि आपको क्यों करना है, और आपका सच्चा खुदा कौन है, या जिसके लिए आप भगवान कहेंगे, जो लक्ष्य आपका क्या है वो जान लिया आपने। अब जो बात शुरू हो जाती है वो शुरू होती कैसे करें, तो मैंने कहा कि जीवन में ढेरों हमें जो संसद मिलते हैं उसकी वजह से हम लोग डाइवर्ट होते रहते हैं, सारे संसद मिलेंगे लेकिन हमें प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी, ये काम पहले करना है, ये बाद में करना है, ये उसके बाद में करना है, ये बात तो ये शांत मन करता है। तो काम को करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाई जाती थी हमेशा, तो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, आज मुझे 10 काम निपटाने हैं, आज मुझे 5 काम करने हैं। जब आप ये करना शुरू कर देते हैं तो आप बैलेंस हो जाते हैं, और अब सारे काम जो दिखते इतने बड़े के नहीं हो रहे वो होने लग जाते हैं। पहले दिन हो सकता है चेकलिस्ट में से 2 ही काम हो, लेकिन अगले दिन 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 होने लग जाए, क्योंकि आप अपने समय को और अपनी चीज़ों को वैसे व्यवस्थित करना खुद ब खुद सीख जाते हैं। अभी हमने चेकलिस्ट नहीं बना रखी है, टाइम का नहीं सोच सकता, अभी हमें लग रही है बैठ के वहीं बैठ गए, हम फकीर नहीं हैं, अभी हम लोग विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, तो सीखने वाले व्यक्ति को मर्यादाएँ माननी पड़ती हैं, पड़ेगा। तो एक चेकलिस्ट बनाए कीजिए, उनकी तैयारियाँ कीजिए कि आज ये करूँगा, पहले ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। आप देखते हो गीता में ये कहा गया है, गीता में इसमें कहा गया है कि पहले वो करो तो सबसे ज़रूरी हो, फिर उसके बाद में करो तो थोड़ा कम ज़रूरी हो, फिर आप देखिएगा एक दिन वो सारे काम हो गए हैं जो कि आप जीवन में करना चाहते थे। शुभकामनाएं।